वेलकम बैक वंस अगेन टू साइको प्रोफेसर। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे पेपर एनालिसिस, हमारा एमपीसेट साइकोलॉजी 2023 का, उसका पार्ट वन हमने ऑलरेडी कर दिया है। वहां पे आपके अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर दिए हैं, तो उनके आंसर की आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे, और उसी के साथ साथ आपका ये होगा पार्ट टू एमपीसेट साइकोलॉजी का, आपका कंप्लीट पेपर एनालिसिस। ठीक है, इसी के साथ साथ कट ऑफ वगैरह देखिए, आप जो है पेपर पहली बार हुआ है तो आप इसको अज्यूम करके चल सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है ये लो रह सकता है, कम रह सकता है, बट जस्ट एक अजम्पशन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पेपर के ऊपर, डिस्कस करते हैं वहां पे कि क्या उसके पॉसिबल आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार से आपको अजीबोगरीब सवाल भी देखने को मिलेंगे इस एमपीसेट पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए, ये रहा सवाल। वह उपागम जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझता है तथा विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है उसे कहा जाता है The approach which understands the behavior of a particular person and stresses the prediction of his behavior in various situations is known as idiographic approach। ये कैसे आ गई? Idiographic ने बोल दिया। Cardinal उपागम, cardinal approach, ये क्या है आपकी? ये आपकी secondary approach है, ना ही आपकी source state approach है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, secondary approach, जहाँ पे क्या करते हैं हम स्ट्रेस करते हैं prediction of his behavior, लोगों की अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार से बिहेव करेंगे उस पर हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अनुभवजन्य पद्धति का आधार है? निगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल मेथड। ठीक है, तो एम्पिरिकल मेथड के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या आपका बेस होता है? तो यहाँ पर देखिए औपचारिक तर्कणा, अप्रत्यक्ष तर्कणा, यहाँ पे इनडायरेक्ट रीजनिंग, फॉर्मल रीजनिंग, यहाँ पे आपका ए और बी जो है डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुभवजन्य पद्धति का आधार है? आधार किस पे रहेंगे आप? आधार हमेशा रहेंगे जब भी हम एम्पिरिकल मेथड्स की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा, जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो पहले आएगी आपकी। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए बी, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिडक्टिव रीजनिंग भी दिया हुआ है, इसके बाद ये वाला स्टेप आता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आश्चर्यजनक होगा कि आपको यहाँ पर दो दो ऑप्शंस दिए हैं ए एंड बी। ठीक है, सी एंड डी का तो कोई चांस नहीं। देखिए अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो एक एम्पिरिकल साइकिल होती है, ठीक है, उसमें आपके दोनों चीजें मिलती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एम्पिरिकल मेथड में सबसे पहले क्या आता है आपका, ऑब्जर्वेशन आता है, उसके बाद बेस आपका जो बनाएगा वो है आपकी आगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, जहां पे आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन वगैरह करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा आंसर की में इसका आंसर क्या देते हैं, वैसे इसका बी होना चाहिए बट यहाँ पे ए भी आपको दिया हुआ डिडक्टिव रीजनिंग, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेस लेकिन कौन बनाएगा आपका, बेस बनाएगा आपका यहाँ पर आगमनात्मक तर्कणा यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल 143 में, वर्ग संप्रत्यय के निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा था फॉर्मल इनफॉर्मल तो नहीं, बट आपका आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, तो आर्टिफिशियल आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, या फिर वो अगर फॉर्मल को मान ले तो यहाँ पे फॉर्मल कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं आपके, डिफाइंड सेट होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं आपके। ठीक है, जो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे स्क्वायर में क्या होगी आपकी, चार लाइन होंगी, ए ए ए ए, इस प्रकार की चार लाइनें होंगी आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए होना चाहिए, औपचारिक संप्रत्यय यानी कि फॉर्मल कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर वो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट को मानना चाहें तो उसको भी मान सकते हैं, स्क्वायर एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है तो उसको यहाँ पर वो नन ऑफ द अबव भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार के सवाल जो है आपको कट ऑफ को क्या करेंगे, वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इसके दो आंसर सही हैं आपके, फॉर्मल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल में क्या है, सारी चीजें आपकी वेल डिफाइंड होती हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और उसी के साथ साथ अगर वो आर्टिफिशियल को माने तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आशंका ये है कि वो औपचारिक को ही यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो है, ये आपको मतलब अगर आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो आपको ये सवाल गलत होने के चांसेस, आपकी संभावना 100% है। ठीक है, अगर आपको हिंदी थोड़ी बहुत भी नहीं आती तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्राइब मेकिंग ऑपरेट्स मोस्टली विद इन विच ऑफ कन्फाइंस। ठीक है, ये सवाल बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ पे बोल रहे हैं निर्णय लेना अधिकतर किस परिधि के अंदर संचालित होता है। हिंदी में पढ़ने पे थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है कि निर्णय लेना अधिकतर किस परिधि के अंतर्गत संचालित होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब मतलब बताइए, मेकिंग ऑपरेट्स मोस्टली विद इन, कौन सी मेकिंग हो रही है यहाँ पे, विच ऑफ कन्फाइंस। ठीक है, तो यह जो सवाल है, प्रश्न है, ये भी इल डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रेशनलिटी की बात हो रही है, पूर्ण तर्क संगतता, सीमित तर्क संगतता, परिकल्पित तर्क संगतता और आपकी सैद्धांतिक तर्क संगतता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका होगा आपका सीमित तर्क संगतता, क्योंकि आप निर्णय लेंगे, ठीक है, एक बाउंडेड रेशनलिटी के अंदर। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं, हाइपोथेसाइज नहीं और थियोरेटिकल भी नहीं। ठीक है, तो बाउंडेड रेशनलिटी होगा, तो यहाँ पे आपको +2 मिलेगा अगर आपने बीपी टिक किया है, तो एल्स आपके यहाँ पे दो नंबर बड़ी आसानी से काट लिए जाएंगे।
अब देखिए अगला सवाल, अधिगम प्राथमिक रूप से खालिस्तान पर आधारित है। लर्निंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन गोल, पर्पस, लक्ष्य या फिर उद्देश्य, या फिर दोनों ए सही है या दोनों ए एंड बी गलत है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, लर्निंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन गोल, प्राथमिक रूप से आपका किस पे आधारित होती है। तो सिंपल सी अगर बात करें यहाँ पे, तो आपकी कोई भी चीज आप सीख रहे हैं तो किस चीज के लिए सीख रहे हैं, किसी ना किसी आपका क्या होता है वहां पर गोल होता है। ठीक है, अधिगम प्राथमिक रूप से लक्ष्य पर आधारित है। ठीक है, आप क्यों चीज सीख रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ लक्ष्य है, गोल है, आपको स्टेट एग्जाम पास करना है, नेट एग्जाम पास करना है, कुछ भी आपका क्या है, एक गोल है। गोल के बाद क्या आता है आपका, देना वहां पे आपका उद्देश्य आता है, पर्पस, किस वजह से कर रहे हैं आप ये सीखना चाह रहे हैं लर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्टिव मैटर आ चुका है, ए गोल बी पर्पस, तो सेफ साइड में आपका अगर आपने सी मार्क किया है दोनों ए व बी सही, तो आपका ये सवाल होना चाहिए, अदरवाइज आपका यहाँ पे गोल भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो चर्चा का विषय है, इसको आप कहीं भी क्लेम नहीं कर सकते कि लर्निंग प्राइमरली सिर्फ केवल गोल पर होगी या केवल पर्पस पे होगी। ठीक है, सेफ साइड में आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट होना चाहिए, बट देखते हैं यहाँ पे आंसर की में क्या बोलते हैं। अदरवाइज अधिगम प्राथमिक रूप से आपका किस पर आधारित होगा, आपके लक्ष्य पर आधारित होगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आप कोई भी चीज लर्न कर रहे हैं तो किसी पर्पस से आप नहीं करते हैं, कि आपका उद्देश्य है, करते हैं बट वो भी सब्जेक्टिव मैटर है, बट स्टिल आपका क्या होता है, उसके पीछे कोई ना कोई आपका एंड गोल होता है। ठीक है, कोई ना कोई एंड गोल होता है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पास करना है एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए आप इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, तो बाकी फिर देखते हैं कि आपके आंसर की में क्या आंसर देते हैं वो। अगला चलते हैं सवाल, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं, लोनलीनेस एज अ मेजर हजार्ड टू एडजस्टमेंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग, खालिस्तान के दौरान अकेलापन समायोजन सामंजस्य के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, एडोलेसेंस, यूथ, एडल्टहुड, मिडिल एज या फिर ओल्ड एज, तो सबसे ज्यादा अकेला इंसान कब होता है, अपनी वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, तो वहां पे जो सामंजस्य बिठाना है, ठीक है, लोनलीनेस इज अ मेजर हजार्ड टू एडजस्टमेंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग, कब मिलेगा आपको, ओल्ड एज में मिलेगा आपको, किशोरावस्था में दोस्त होंगे, युवावस्था में दोस्त होंगे, मध्यावस्था में फैमिली फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वृद्धावस्था में आपको चीजें कम देखने मिलती है, तो ओल्ड एज में आपको यहाँ पर ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, कि द अजम्पशन हेल्दी पीपल आर इननेटली गुड एंड इफेक्टिव इज बेस्ड ऑन, यह धारणा कि स्वस्थ लोग जन्म से ही अच्छे एवं प्रभावी होते हैं पर आधारित है, किस पे आधारित है ये, संज्ञात्मक चिकित्सा, तर्कसंगत सामूहिक चिकित्सा, आपकी आरईबी रेशनल इमोटिव थेरेपी पे, गेस्टाल्ट थेरेपी पे या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पर। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए यहाँ पर कमेंट करके, क्योंकि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न नंबर 76 के अंदर। ठीक है, देखते हैं बाद में आंसर की में क्या देते हैं यहाँ पे, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ये यहाँ पे सवाल है अजीबोगरीब। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 77 में पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय ज्यादातर कैसे हो जाते हैं, ड्यूरिंग एडोलेसेंस मोरल जजमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड इमिटेटेड सोशल या फिर कॉग्निटिव, प्रेरणात्मक, अनुकरण जन्य, सामाजिक या संज्ञानात्मक, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। कुछ यहाँ पे जो पूछ रहे हैं उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे वो पूछना चाह रहे थे, बट बात कुछ बनी नहीं। वेलकम टू एमपी सेट। ठीक है, और अगर आपको आंसर की में आंसर अगर ए मिल जाए कॉग्निटिव थेरेपी, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर वही चीज गड़बड़ा गई है। अब देखिए अगला सवाल, फिर से अगेन ये वो सवाल है जो लक पे निर्भर करेगा आपके, हाइपोथैलेमिक केंद्रक की क्षति प्रभावित करती है, डैमेज टू एनी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई लीड्स टू इफेक्ट। ठीक है, किसको करेगा, रेगुलेशन ऑफ इमोशन को, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, टेम्परेचर कंट्रोल या फिर पेइंग अटेंशन। अगर एमपी सेट वालों ने अगर देखा होगा हाइपोथैलेमस को कभी, तो दो ऑप्शन ये कभी भी साथ में नहीं जा सकते, ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो जो आपने मार्क किया हो उस हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि हाइपोथैलेमिक में ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही चीज कर रहा है वहां पे, संवेगों के नियमन में या फिर तापक्रम नियमन को, वैसे तापक्रम नियमन को, टेम्परेचर कंट्रोल मोस्ट सुटेबल आंसर इसमें होना चाहिए सी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हाइपोथैलेमस में इमोशन का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ इमोशन को अगर वो एमिग्डाला से समझ रहे हैं तो वो बात अलग है, डिफरेंट है, सी आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है, अगर आपने सी किया है तो आप ज्यादा सेफ हैं। ठीक है, और ए भी आपका वो दे सकते हैं। ठीक है, तो दो आंसर होने चाहिए इसके ऑफिशियली, तो मतलब इसका ओरिजिनली, नॉट ऑफिशियली, ओरिजिनली इसके दो आंसर होने चाहिए, बट देखते हैं अगेन वहां पर सी अगर आपने किया है तो आप वहां पे ज्यादा सेफ है। अगला देखिए सवाल, यहाँ पे पूछ रहे हैं पीकेयू जीन के बारे में, पीकेयू जीन से संबंधित मानसिक मंदता को काफी कम किया जा सकता है, कैसे करेंगे आप जब आप एलपी डाइट लेंगे, द मेंटल रिटार्डेशन रिलेटेड विद पीकेयू जीन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोटीन डाइट से नहीं, किससे होता है, लो फिनाइल एलानिन डाइट से होता है। ठीक है, कम फिनाइल एलानिन खान पान से ये होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं ईएमजी का प्रयोग किया जा सकता है, ईएमजी मेजर्स एक्टिविटी इन मसल्स ड्यूरिंग, अब क्या सवाल सेट किया है देखिए, रनिंग, टेकिंग फूड, स्माइलिंग, मसल्स ऑफ फीट,
ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है इसमें, मसल्स ऑफ फीट। वैसे ये भी गलत है लेकिन क्या है ये, मसल्स ऑफ फीट। ठीक है, पैर की मांसपेशियों की क्रियाशीलता के मापन में, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। मुस्कुराने के दौरान नहीं करेंगे, भोजन के दौरान नहीं करेंगे, दौड़ने के दौरान नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका मसल्स ऑफ फीट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर।